हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। लैंडस्केप पहले टाइम में, पुराने जमाने में जब हम बात करें तो लैंडस्केप एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। टाइम के साथ आर्टिस्टों को समझ आया कि लैंडस्केप की एक अलग इंपॉर्टेंस है और लैंडस्केप टाइम के साथ एक अलग सा सब्जेक्ट मैटर बन गया। अदरवाइज पहले पोर्ट्रेट को महत्वता दी जाती थी, पोर्ट्रेट को, फिगर ड्राइंग को, पर टाइम के साथ एक लैंडस्केप के ऊपर स्टडी होनी चालू हुई और कई सारे आर्टिस्ट लैंडस्केप के ऊपर स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश में लगे रहे, जिसके कारण लैंडस्केप एक अलग सा सब्जेक्ट मैटर बन गया और आज के टाइम पे बहुत सारे सक्सेसफुल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ लैंडस्केप के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी स्पेशल क्यूज बताने वाला हूँ। स्पेशल क्यूज का मतलब क्या होता है? स्पेशल, ये वो वाला स्पेशल नहीं है कि SPECIAL वाला स्पेशल, SPATIAL। स्पेशल का मतलब क्या? वो सारी चीजें जो किसी एक स्पेस को दर्शाती हूं, स्पेस की तरफ इशारा करती हूं, ठीक है। और क्यूज का मतलब है संकेत। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्पेस के ऊपर संकेत करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप अपने लैंडस्केप के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो आपके लैंडस्केप में और डेप्थ आएगी। ये क्लासिकल लेसन्स में चीजों को सिखाया जाता है, क्लासिकल लेसन्स के कुछ टिप्स हैं, तो ये चीजों को आप ध्यान से देखना। ये चारों डेमो मैं आपको दे रहा हूं क्विकली। इन छोटी सी चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद आपका लैंडस्केप पहले से ज्यादा डेप्थ फील कराएगा, स्पेस फील कराएगा। और ये कुछ एलिमेंट्स है जो अक्सर जो सक्सेसफुल आर्टवर्क्स रहते हैं, खासकर लैंडस्केप, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जो व्यूअर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है उनको ये सारी चीजें पता होती हैं और वो इस तरीके से अपने लैंडस्केप को डिजाइन करते हैं, इस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स के साथ खेलते हैं कि व्यूअर्स को देख के उस लैंडस्केप में और डेप्थ फील होता है और उसमें गहराई नजर आती है। तो क्या है वो स्पेशल क्यूज, इस वीडियो में देखेंगे, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं मैं। तो आपके सामने चार बॉक्स मैंने बनाए हैं। इन चारों बॉक्स में मैं आपको चारों एलिमेंट बताता हूं और यही एलिमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लैंडस्केप में। आप पेंट करो या ड्रॉ करो, कहीं पे भी इन चारों पे आप ध्यान से अब इसको समझो। शुरू करते हैं पहले बॉक्स से। मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ मैंने बनाया, सिंपल ड्राइंग है, आउटलाइन है, आउटलाइन से स्पेस नहीं आएगा। तो पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर हम ऐड करेंगे वो है वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम कैसे ऐड करते हैं? वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जब लाइट से डार्क की फॉर्म बनती है, ओके, लाइट से डार्क की फॉर्म बनती है तो एक राउंडनेस आती है। ओके, ये सिर्फ अभी आउटलाइन आपको दिख रहा है। यहाँ पे जब एक तरफ से लाइट आएगी और एक तरफ यहाँ पे परछाई बन रही है, ये शेडो बनी, तो इससे एक ऑटोमेटिकली एक फील आएगा कि इस पेड़ में राउंडनेस है और इसके कारण यहाँ पे एक शेडो बन रही होती है जो ज़मीन पे गिर रही होती है। ओके, यहाँ पे एक शेडो बना देते हैं तो अपने आप आपको अब फील होगा कि ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल इसमें फील आ रही होगी। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम, जब लाइट एंड शेडो के वजह से एक थ्री डायमेंशनल फील आता है किसी भी चीज़ में। तो पहला एलिमेंट है वॉल्यूम। दूसरा एलिमेंट, अगेन शुरुआत करते हैं सेम इसी पेड़ से। यहाँ पे हम शेडो ऐड कर देते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट लाइट को भी ध्यान देते हैं कि किस तरफ से हम लाइटिंग को ध्यान दें ताकि वो लाइटिंग ज़्यादा वॉल्यूम फील कराए। अब ये जो मैंने एक और पेड़ बनाया, छोटा सा साइज में छोटा बनाया, तो ये अपने आप आपको फील देगा कि ये पेड़ हमसे दूर जा रहा है। ओके, अब ये जो चीज़ मैंने ऐड की यहाँ पे, इससे एक डेप्थ में एक और एडिशनल लेयर ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं, पहले मैंने किया वॉल्यूम, उसके बाद इसको कहते हैं स्केल। चीज़ों का छोटा या बड़ा होना साइज में, उसको स्केल कहते हैं। ओके, आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, पीछे में पेड़ लगा दिया या फिर घर लगा दिया आसपास, दूर में छोटा दिखा रहे हैं या फिर सामने कुछ और बना दिया जो बड़ा दिख रहा है, तो स्केल ऐड होने के बाद एक और लेयर ऐड हो जाती है। यहाँ पे तीसरी जो एलिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनी गैसेस, आपके दिमाग में कोई एलिमेंट आ रहे हों तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करना। ओके, ये मैंने शुरू में बनाया वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और पेड़ बना रहा हूँ। अब ये पेड़ अगर पहले वाले पेड़ के ही पीछे होता तो स्केल और तीसरा एलिमेंट ओवरलैप दोनों आ जाता। देखो, जो तीसरा एलिमेंट है उसे कहते हैं ओवरलैप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो पेड़ बनाया, पीछे में पहाड़ बना दिया, ठीक है, पीछे में यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ बना देते हैं। अब चीज़ें एक के पीछे हो जा रही हैं। ओके, एक के पीछे एक हो जा रही हैं,
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये और डेप्थ फिल करवाती हैं। जब हम कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं तो आर्टिस्ट क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर उनके लैंडस्केप में पहले से नहीं है तो वो अपनी इमेजिनेशन से इन चीज़ों को डिज़ाइन करके ऐड कर देते हैं ताकि और डेप्थ फील हो। मान लो आप लैंडस्केप बना रहे हो, वहाँ पे सिर्फ पेड़ है और ज़मीन है, तो आर्टिस्ट ने क्या किया, एक और माउंटेन का लेयर ऐड कर दिया ताकि और डेप्थ फील हो। माउंटेन हो या फिर कोई घर ऐड कर दिया या फिर कोई ह्यूमन फिगर है जो पेड़ के पीछे खड़ा है, तो इस तरीके से ओवरलैप जब आ जाता है तो उससे और एक लेयर ऐड हो जाती है डेप्थ देने में। ओके, अब यहाँ पे एक और एलिमेंट मैं दे रहा हूँ। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, अब अगली बार जब भी आप कोई पेंटिंग देखो, खासकर लैंडस्केप को देखो, तो इन एलिमेंट्स को खोजने की ज़रूर कोशिश करना और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपने आज से पहले कभी इन एलिमेंट्स को किसी भी लैंडस्केप में खोजा था या नहीं। ओके, मैंने दोनों चीज़ें ऐड की, वॉल्यूम ऐड किया, स्केल ऐड किया, अब यहाँ पर मैं ओवरलैप भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, ओवरलैप ऐड किया, ओवरलैप में हमने माउंटेन बना दिया। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं ओवरलैप में, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, लेकिन एक के पीछे एक आ जाने से एक कॉम्पोजिशन में फ़ायदा होता है, कॉम्पोजिशन अच्छी फील होती है, लैंडस्केप में डेप्थ आ जाती है। और जो एक एलिमेंट है यहाँ पे, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, इसको लीनियर पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जहाँ पे हम वन पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं, एक पॉइंट की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं एक एंगल में। जैसे पेड़ गिरा हुआ है, मैंने फेंस लगाया छोटे से बड़ा, ठीक है, दूर जा रही हैं चीज़ें तो छोटी होती जा रही हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे नदी ऐड कर सकते हैं, आपने देखा होगा कई सारे आर्टिस्ट जानबूझ के सामने नदी बनाते हैं, या फिर सामने से रास्ता जा रहा है जो दूर जाते जाते छोटा नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव ऐड कर देना। और ये जानबूझ के ऐड किया जाता है ताकि एडिशनल डेप्थ का फील आ सके और एडिशनल लेयर ऐड हो सके डेप्थ में, ठीक है। स्केल में और पर्सपेक्टिव में छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। क्या डिफरेंस है, स्केल छोटी छोटा या बड़ा होने को बोलते हैं, तो पेड़ यहाँ पे कहीं पे भी मैं बनाता या फिर कोई घर बनाता दूर में तो वो स्केल के अंदर आता, ठीक है, उसको मैं साइड में बना सकता हूँ, राइट में बना सकता हूँ, कहीं पे भी बना सकता हूँ। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव वाली चीज़ है वो एक एंगल में जाती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे एक एंगल में जाती हैं। जैसे एक रास्ता है वो एक जगह पर सीधा जा रहा है या फिर मुड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन वो एक दिशा में जा रहा है, पेड़ कहीं भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखना जब भी आप लैंडस्केप बनाओ और दूसरे के लैंडस्केप में भी खोजना। तो अगर आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरी पूरी कंप्लीट ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, जहां पे आप सीखोगे कि आपको डेली किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है ड्राइंग में। ज्यादातर लोग फाइन आर्ट्स में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्निक्स पे काम करते रहते हैं बिना प्रिंसिपल्स को समझे। सारी चीजें वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जा रही हैं। ये सारे कैसे अपने आंखों को ट्रेन करना है आप सीखोगे कि रियल लाइफ से कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे स्टिल लाइफ को सेटअप किया जाता है, कैसे हेड स्टडी की जाती है। लियोनार्डो दा विंची इस लाइटिंग को इस्तेमाल करते थे कि लाइट फोरग्राउंड को डिटेल्स, टेक्सचर ज्यादा, और फिर धीरे धीरे हम चीजों को, कैसे शॉर्ट स्केचेस एंड लॉन्ग स्टडीज की जाती है, सारी चीजें रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप सीखोगे। साथ ही साथ यहाँ पे 15 डेज का रिफंड गारंटी भी है, 15 डेज तक आपको सारी टेक्निक्स मिलेंगी, सारे लेसन्स मिलेंगे, उसके बाद आप खुद चेक कर सकते हो, 15 डेज तक यूज़ करो, उसके बाद देखो कि आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद आप चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो या फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही हमने एक कम्युनिटी बनाई है, सारे जो मेंबर्स अभी तक यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, इस ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट हैं, हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी है फेसबुक पे, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपनी डेली आर्टवर्क की प्रैक्टिस को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं, एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं, एक दूसरे को होमवर्क देते हैं और इस तरीके से वो फास्टर वे में ग्रो कर पाते हैं। साथ ही साथ वो जो सीख रहे हैं उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये सारे टास्क वो फेसबुक कम्युनिटी में परफॉर्म करते हैं, जिससे आर्ट की स्पीड इंप्रूव करने की स्पीड 10 गुना 100 गुना फास्टर हो जाती है। तो अगर आपको इस ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट बनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो। और एक नया यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वहाँ पे वीडियोस डलनी शुरू हुई हैं, आगे भी बहुत डलेंगी, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।